नमस्कार बच्चों, आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 6 विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। पहला प्रश्न है, भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। दूसरा है, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। चावल, दाल, सब्जियां, फल आदि। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जैसे विटामिन ए है, रतौंधी रोग होना, विटामिन बी, बेरीबेरी रोग, विटामिन सी, स्कर्वी रोग, विटामिन डी, रिकेट्स रोग, विटामिन ई, मांसपेशियां कमज़ोर होना, आयोडीन की घेंगा रोग। फास्ट फूड एवं जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होते हैं? फास्ट फूड और जंक फूड खाने से अतिगत वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट और प्रसंस्कृत चीनी का सेवन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखना है। अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, शरीर मजबूत बनता है व रोग मुक्त बनता है, शरीर स्वस्थ रहता है तथा हड्डियां मजबूत बनती हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण करना है। जैसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला लिखना है तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और स्रोत, किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व ये पाया जाता है? चावल और गेहूँ में पाया जाता है। शरीर को निरोधी बनाने रखने वाला क्या है? विटामिन है। ये कहीं में पाया जाता है? आम हो गया, पपीता हो गया, फल वगैरह हो गए। अस्थि एवं दांतों का निर्माण प्रोटीन हो गया, ये कहीं से हमें प्राप्त होता है? चिकन और मछली। शरीर की वृद्धि में आवश्यक क्या? विटामिन। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आम, पपीते हो गया, फल हो गया। अपने घर में विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूं एवं सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उन्हें नियमित पानी डालिए और बीजों को अंकुरित का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। जैसे मटर को 1 सप्ताह कितने दिन अंकुरण लगने वाला समय? 1 सप्ताह। मक्का 1 सप्ताह। चना 1 सप्ताह। गेहूँ 5 दिन। सेम 8 दिन। प्रश्न क्रमांक 2 है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य। पहला है इसका दूसरे का, ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम बताना है। पहला है मूंग, उड़द, मक्का। दूसरा है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना। जैसे कल्टीवेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोटरी हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च अनुवांशिकता शुद्धता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बीज को प्रमाणित दुकान से खरीदना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना है। फसलों की सिंचाई नदियाँ, नहरों, कुआं, तालाबों, ट्यूबवेल, जल से किया जाता है। संयंत्रों के नाम हो गया, ड्रिप हो गया, पाइप हो गया, इत्यादि हो गया। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना है। फसल उत्पादन उर्वरक जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, यूरिया, DAP इत्यादि। अगला प्रश्न है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रोपेन फॉस, साइवरमेथ्रिन, पॉलीट्रिन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम बताना है। फसलों की कटाई होती निम्न संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे हसिया हो गया, रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, विनोइंग कैन हो गया। अगला क्वेश्चन है, फसलों को सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर है, नमी युक्त जगह से इसे दूर रखना चाहिए, कीटनाशक दवाओं को अन्न में रखना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े न लगें, अन्न को ठंडी जगह में रखना चाहिए और इत्यादि जगह भंडारण को सुरक्षित रखना चाहिए।